हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको बताऊंगा, जिनका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया है, जिनका 13 और 14 मई को एग्ज़ाम था, दो शिफ्ट में, चार शिफ्ट के एग्ज़ाम के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा कि कैसा एग्ज़ाम का लेवल रहा है और क्या एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, क्या स्कोर हो सकता है और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए, कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए। और आने वाले जो शिफ्ट है 16 मई को, यानी आज आज जिनका पेपर है उनको ये पता लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो करंट अफेयर में से पिछले 4-5 महीने के क्वेश्चन आ रहे हैं, ओलंपिक के क्वेश्चन जो है, पैरालंपिक के क्वेश्चन है, राजस्थान के जो स्पोर्ट्स है और कुछ बुक्स है, इनमें से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर राजस्थान में जाए तो इकोनॉमिक्स से जो आर्थिक समीक्षा है, जो जीडीपी की रेट है और जो जीएसडीपी है, पर कैपिटा इनकम, और ये इन चीज़ों से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। और सेकंड नंबर पर कहूँगा कि पॉलिटी और ज्योग्राफी, पॉलिटी में एक दो तीन क्वेश्चन तो वो आ ही रहे हैं एक्ट के हिसाब से, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनके क्या एक्ट रहते हैं। और इंडिया में भी इसी का पूछ रहा है, इंडिया में भी लगभग कॉमन ही होता है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद जो है, विधानमंडल, विधान परिषद, इनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा है राजस्थान में। हाँ, ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, नदियाँ और सहायक नदियाँ और बांध किस पे बना हुआ है, नदियों के नाम, पुराना, और 1-2 क्वेश्चन मंत्रिमंडल से आ रहे जो वर्तमान में जो अपॉइंट हुए हैं। और इंडिया में से पॉलिटिक्स के, ज्योग्राफी के, डैम्स के, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ये आप पढ़ के जरूर जाइएगा। पॉलिटी में जो अधिवेशन हुए थे, फर्स्ट अधिवेशन, और इनमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटिक्स में से। दोस्तों, साइंस का जो वेटेज है वो बहुत कम रहा है, आपकी बार 1-2 क्वेश्चन आ जाता है और वो भी जनरल लेवल पे है। अगर आपको आ रहा है तो आप कर लीजिए, वरना इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हम रीजनिंग में जो ओवरऑल कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन के आ ही रहे हैं, एक तो वेन डायग्राम वाले और जो एक कथन निष्कर्ष वाले, वो क्वेश्चन आ रहे हैं, और दूसरा कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, और सीरीज से आ रहे क्वेश्चन, और 2-3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आ रहे हैं, और फिगर वाले भी आ रहे हैं, नेक्स्ट फिगर कौन से आएगी, और मिरर वाले भी आ रहे हैं क्वेश्चन। और ये जो 1-2 क्वेश्चन जो सिली थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, उनको आपको छोड़ देना चाहिए, डोंट वेस्ट ऑन योर टाइम इन सिली मिस्टेक। अगर आपको नहीं आ रहा रीजनिंग में, आप स्किप करते जाइए फटाफट से, और पेपर को ओवरऑल जो आपको पहले आ रहा है उसको कंप्लीट कर लीजिए, वो पोर्शन पहले कंप्लीट कर लीजिए। सेकंड टाइम में जब आप वापस से रिवीजन देखो, अगर आपको एलिमिनेशन आता है तो आप एलिमिनेशन लगा कर आप 1-2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप वहाँ रिस्क ले सकते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर में जो दोस्तों है, थोड़ा सा आपकी लेवल थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, उसमें से जो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के जो एमएस ऑफिस के सारे टूल्स है, उसकी जो शॉर्टकट कीज है, उसकी जो पावर पॉइंट के स्लाइड्स जो है, लाइक एमएस एक्सेल में जो सेल होते हैं उनका, और कुछ शॉर्टकट्स की पूछ रहे हैं। अगर महिला और बाल अपराध से देखें क्वेश्चन, कुछ अलग ही आयोग आ रहे हैं, लाइक और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन, और जो अभी योजना चल रही है, लाइक पालनहार योजना, युवा संबल योजना, इनसे रिलेटेड जो कांग्रेस की जो सारी योजनाएं चल रही, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ओवरऑल जो पेपर का जो लेवल रहा है, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर रहा है, क्योंकि पिछले साल से पेपर थोड़ा हार्ड है, और एक्सपेक्टेड है इस साल कट ऑफ भी कम जाएगी। दोस्तों, तो आपको बता दूँ ओवरऑल कितना रहेगा कट ऑफ और कितना सेफ स्कोर रहेगा, एक्सपर्ट्स है उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ आपको, 110 से 120 के बीच में स्कोर अगर आ रहा है तो आपके चांसेस है, और 120 से प्लस है तो आप डोंट वरी, आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। अगर आपके 110 से 120 में है तो आपका सिलेक्शन से आ रहा है। पिछले साल कट ऑफ ज़्यादा गई थी क्योंकि उस टाइम पेपर थोड़ा ईजी आया था। और दोस्तों, सबसे बड़ी परेशानी जो युवाओं को देनी पड़ी, जो होम डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम नहीं दिए सेंटर, और दूसरे जयपुर ज़िले, जोधपुर, कोटा, गंगानगर, हनुमानगढ़, बहुत दूर दूर जो ज़िले दिए थे, उनसे दोस्तों अभ्यर्थी को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई, रहने खाने ट्रेवल करने में उनका बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, लोगों ने भी उनको दबा कर लूटा, और रातों को जो है स्टेशन पर उन्होंने रातें गुजारी। और दोस्तों, और सारे ट्रेन के एक्सीडेंट हुए, लाइक बहुत सारे बस के एक्सीडेंट हो गए, कितने लोगों का एग्ज़ाम छूट गया और कितने लोगों को बाहर निकाल दिया एग्जाम से, लाइक मेहंदी की वजह से किसी भर्ती को जो है बहुत परेशानी देखनी पड़ी, बहुत असमंजस में रहे भर्ती, और इस तपती धूप में उन्होंने बहुत दूर दूर घर से जाकर एग्ज़ाम दिए परीक्षा सेंटर पर, जहां पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं थी, बहुत कम लग रही थी, और बोटल्स की जो है रेट बढ़ा कर दी गई थी, और सारे जो ट्रेवल्स के थे, जो टैक्सी वाले ने भी रेट बढ़ा दी, बसों वालों ने रेट बढ़ा दी, और फ्री की जो की थी बसें, उनकी बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं थी दोस्तों, क्योंकि जो प्रशासन ने जो है पूरा ध्यान नहीं दिया, उनकी सिस्टम जो थोड़ा लूज रहा आपकी बार, जिनका लगभग स्कोर आ रहा है दोस्तों, वो फिजिकल की तैयारी में लग जाए। आई होप यू विल बी द कॉन्स्टेबल। थैंक यू गाइस।